चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। वाटर पार्क, वाटर पार्क, वाटर पार्क जो है ना, फाइनल प्रेजेंटेशन, सिकमेटिक फाइनल प्रेजेंटेशन के नाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सर वाटर पार्क जो अभी हमें हजन की तरफ से रिसीव हुए, सिकमेटिक डिजाइन, थीमेटिक डिजाइन, इसका ओवरऑल इसको उन्होंने कंप्लीट ब्रीफ उन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दिया विद ऑल द इसके मास्टर प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल उन्होंने इसके बर्ड्स आई व्यू में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया सारी ईच एंड एवरीथिंग, इट्स अ कंप्लीट रेंडर जिसमें हमारी एंट्रेंस और उसके कंप्लीट जो हमारे स्लाइड्स मास्टर प्लानिंग और जो हमारे बाकी स्लाइड्स आ रही हैं उसको ओवरऑल ओवरव्यू है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव अ कलर्ड नाइट व्यू दैट, अच्छा प्रीवियसली उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, दिस इज द नाइट एनर्जी। इसमें नाइट व्यू में कंप्लीट ओवरऑल वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना मास्टर प्लान हमारा वाटर पार्क का। अच्छा दिस इज, दीज आर द फ्यू इंस्पिरेशंस जो उनकी केस स्टडीज हैं जिन्होंने उन्होंने इंटरनेशनल केस स्टडीज के थ्रू इसको डेवलप किया है पूरे मास्टर प्लान को। दीज आर द बेसिक आइडियाज। दिस इज द ओवरऑल थीमेटिक डिजाइन जो वी हैव ब्रीफ देम, जो कि हमारा मेडागास्कर थीम था उसको फॉलो करते हुए उनके सारे कैरेक्टर्स को यूज करते हुए उसके लैंडस्केप एंड ग्रीन एरिया सारे उन्होंने डेवलप किए। दीज आर द फाइव डिफरेंट जोन जिसमें उन्होंने इसको डिवाइड किया है, जिसमें हमारे ड्रीम स्क्वायर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कुछ पब्लिक एरियाज हैं, कुछ चिल्ड्रन एरियाज हैं, कुछ फैमिली एरियाज हैं, उसको ओवरऑल फाइव डिफरेंट जोन में डिवाइड किया हमने पूरे पार्क को। दीज आर द फाइव डिफरेंट जोन जो कि हमारी मेन एंट्रेंस। क्या क्या जोन हैं जरा दोबारा बताइए। फर्स्ट जोन इज ड्रीम स्क्वायर सर्विस जोन जो कि एंट्रेंस और वहां पे हमारे सर्विसिंग एरियाज हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रेन फॉरेस्ट ओवरलुकिंग स्पेस है जिसमें हमारे कॉन्टूर के जो टॉप मोस्ट एरिया जिसके ऊपर हमारा रेस्टोरेंट है वहां से हमारा व्यूइंग डेक है जिसमें पूरा ओवरऑल पूरे रेस्टोरेंट हमारे पार्क का जो है व्यू आ रहा है। देन वी हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काइंड ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया सॉर्ट ऑफ स्पेस जो कि फॉर द चिल्ड्रन एरिया है। देन वी हैव अ फैंटेसी रेन फॉरेस्ट जो कि कंप्लीटली फॉर द एडल्ट्स एंड फॉर द फैमिली पूरे का पूरा एरिया है। बीच लेयर जोन इज बेसिकली फॉर ऑल द एडल्ट्स फैमिली एंड द चिल्ड्रन, इट्स अ सुनामी राइड ओवर हियर जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट राइड ऑफ दिस वाटर पार्क है। यहाँ पे खान साहब वाली सुनामी ना हुए किसे। तो ये जो इसके इसको क्या कहते हैं सर, ये जो रहा है वेव पूल, वेव पूल या सुनामी पूल जो है, ये सुनामी पूल के जो बैक साइड पे एरिया है सुल्तान में, ये हमारे पास बच रहा है फॉर फूड पार्क। वी आर कमिंग अप विद द मेजर, इधर हमने फूड पार्क देना या वो विंटर पार्क देना जो वाटरलेस राइड्स है जो वो इसी का बात है। इट्स ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग पार्क। जो पर्टिकुलर ग्रीन एरिया व्हाट यू आर रेफरिंग टू, ये राइट वाला, ये बेसिकली फूड पार्क है। वी आर कमिंग अप विद द मेजर वो एमएनसी ब्रांड्स फूड फ्रॉम केएफसी, मैकडॉनल्ड, हार्डीज, पिज़्ज़ा हट एंड जो वॉटर पार्क है उसके साथ कनेक्ट कर रही है। एंड देन वी हैव अ टू डिफरेंट एंट्रेंसेस जो कि हमारी 80 फीट जो कनेक्टिंग रोड है उसके साथ, मतलब अगर किसी कस्टमर ने वॉटर पार्क नहीं यूज करना तो ही कैन गो डायरेक्टली। एवरी मेजर ब्रांड हैव देयर ओन ड्राइव थ्रू आउटसाइड से और वो एक मेजर ऑडियंस है। ये जो एक्सटर्नल रोड है ये आउटर 80 फीट जो हमारी आउटर पेरिफेरी की जो रोड है, इट्स आल्सो वी हैव अ पार्किंग आल्सो कनेक्टेड विद दिस फूड पार्क। ये हमारे मास्टर प्लान का भी मेजर फीचर है कि जहाँ पे भी हम कोई ऐसी रिक्रिएशनल हब या टूरिस्ट एक्टिविटी देते हैं जहाँ पे व्हीकल जैम होने का खतरा होता है, वहाँ पे अल्टरनेटिव लूप रोड बेसिकली क्रिएट किया गया टू डिस्पर्स द ट्रैफिक व्हीकल एक्सेस का। ठीक है जी, आगे these are the profiles of the section of the water park jisme different levels are explained hai kaun kaun si rides kaun si heights pe kis level pe aa rahi hain kahan se unke water channels connect ho rahe hain unki technical drawings sections ke hisab se ki kahan kahan se hamara water flow aur wo sare connecting areas kahan se develop honge isme bada we have the height wise the highest view point as well ki jisne sirf for the sake of selfie ya view point create karna hai wo fir outer periphery pe is zone mein aa sakta hai which is this part। ये सेक्शन किस जगह से कटा हुआ पार्क? ये बैक करें जी, मुझे सेक्शन बताया। ये फाइंड है जी, द की लेजेंड इज अलोंग विद द क्रॉस सेक्शन, ये रेड लाइन है, ये यहां से कटा हुआ। और ये बड़े मजेदार जो है कंटूवरी ग्राउंड्स हैं ऑलरेडी। नाउ दिस इज अ ड्रीम स्केयर जोन जी।
अच्छा, ड्रीम क्रूज जोन में बेसिकली हैव एंट्रेंस जो कि हमारा शुरू में फाउंटेन एरिया है, जिसपे वी हैव लार्ज स्केल ऑफ थीमेटिक मेडागास्कर थीम के स्कल्पचर्स. दिस इज द मेन एंट्रेंस जो कि टिकटिंग एरिया है. देन वी हैव दिस होल कॉम्प्लेक्स एरिया जिसके अंदर वी हैव ऑल द फैसिलिटीज जो कि हमारे टेक्निकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. ड्रीम स्क्वायर में सिर्फ कैरेक्टर्स डिस्प्ले पे होंगे, राइड्स कोई नहीं होंगी क्या? बेसिकली एंट्रेंस जोन है, मोस्टली जो मेन एंट्रेंस जोन है जो कि लोगों के लिए टिकटिंग एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया. इट्स मोर ऑफ अ सेरेमोनियल एलिमेंट, इट्स मोर ऑफ अ सेरेमोनियल एलिमेंट ऑफ द थीमेटिक एंड जो कि मेडागास्कर थीम के कैरेक्टर्स के ग्रैंड साइज जाइगेंटिक किस्म के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लस अलॉन्ग विद वेलकमिंग जोन्स जिनमें आपका टिकटिंग एंड है, मैनेजमेंट एंड है, और फिर आगे डिस्पर्स करती है इनटू टू जोन्स, एंट्रेंस और फिर इंटरनल एंट्रेंस फॉर द वाटर पार्क. दिस इज द वन वी इनिशियली ब्रीफ्ड. ये अब उसका व्यू है बेसिकली. दिस इज जहां पे आपका बेसिकली ड्रॉप ऑफ एरिया है, ये दिस जोन. और फिर इसके बाद दिस इज ये सर जिस तरह का फसाड हम चाह रहे थे वो उन्होंने डेवलप कर दिया है बिल्कुल 110% दिस इज द थिंग जिसमें वो प्लेफुलनेस का एलिमेंट है, मेडागास्कर के रियल कैरेक्टर्स का एलिमेंट है, उसी को थीमेटिक ऑर्डर में उसकी फॉर्म्स को जो रियल मूवीज में एनिमेशंस में लिटरल उन्होंने जो ये जो कैरेक्टर्स हैं सर ये वो हमें बना के भेजेंगे. जी बिल्कुल, वी आर हैविंग अ कंप्लीट टर्नकी सॉल्यूशन अलोंग विद देयर पीएम इज कमिंग इन अनदर 15-20 डेज. दी वीजा प्रोसेस उसके में है और उसकी सुपरविजन में ये टर्नकी सॉल्यूशन होगा चाइनीज आ रहे हैं इंशाल्लाह. ये फिर आप जो कि जैसे एंट्रेंस होते हैं उसके बाद वी हैव दिस फाउंटेन एरिया जो ये सर प्रेजेंटेशन में जब इस तरह की तस्वीरें आप लगाते हैं ना तो फिर लोग बड़ी बातें करते हैं. नहीं, दिस इज बेसिकली किड्स. इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किड्स है. किड्स की हद तक है. किड्स की हद तक है. देन दीस आर द लेवल्स. और रमजान में कई लोगों के रोजे खराब किए हैं. डिटेल डाइमेंशंस के किस किस पे कितने कितने मीटर्स पे कौन कौन सी स्पेस एलोकेटेड है, इट्स डाइमेंशन प्लान बेसिकली. देन वी हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पेरेंट एंड चिल्ड्रन फन जोन एरिया. दीस आर द राइड्स जो के स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस एरिया ये सर कितने कनाल पे होगा अंदाजन है कुछ? ये 174 इन टोटल है. इसको पांच जोन में सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड इक्वली. ये 25-30 कनाल का एक एरिया डेडिकेटेड हर जोन. हर जोन तकरीबन 25-30 कनाल 7000 मीटर स्क्वायर पे. दो सुनामी वाला पैच है वो जरा 35 कनाल पे है, बाकी 25-30 कनाल. किड जोन सर हम पहले भी तो शुरू कर सकते हैं ना, इसमें तो राइड्स इन्वॉल्व नहीं है. ये पेव्ड हिस्से का पार्ट है, हम पेव्ड कलेक्टिव ऑर्डर में शुरू. मेरा मकसद है कि जो हमने कंटेनर शिपमेंट्स मंगवानी है, तीन चार शिपमेंट्स हैं, तो हम जोन वाइज ही एग्जीक्यूशन करते जाएं ताकि हम कुछ पार्क का कुछ हिस्सा बिफोर टाइम खोलने में कामयाब हो जाए. उसमें जिसमें राइड्स में मतलब इतना सिक्योरिटी वाला एलिमेंट नहीं इन्वॉल्व और जिसकी वो आसानी से हम कर सकते हैं मेंटेनेंस. इसी तरीके से करें जी, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर ये है एग्जीक्यूशन का. सबसे पहले हो रहा है पेव्ड जोन जिससे ट्रैक डिफाइन होंगे, नंबर वन. नंबर टू उसके बाद जो हमारे पूल्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं वो बनेंगी, उसके ऊपर बेसिकली फाउंडेशन से राइड्स आनी है, तीसरा फेज ये है, और फिर उनके रेस्टोरेंट्स और स्ट्रक्चर. बेसिकली बाहर तो ये पूल्स में सबमर्ज्ड बार होती है, लेकिन इसका फिल्टर्ड वर्जन एंड आर कल्चरल नॉर्म्स. जितनी भी चीजें गई हैं हमने अपने कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक की है. हमने डेज डिवाइड किए हैं फॉर द मेल एंड फीमेल जोन, और ये पूरे ब्रीफ के अकॉर्डिंगली ये इंटरनेशनली डिजाइन स्टैंडर्ड्स पे हुआ है, लेकिन विद आर कल्चरल नॉर्म्स. मतलब हम लेमन थोड़ा देंगे यहां. एग्जैक्टली. अच्छा, दीस आर द डिफरेंट राइट्स. अब बेसिकली ये बड़ा इंट्रिकेट उनका जो है मटेरियल वर्क है, जो मेडागास्कर के थीम के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी स्किन्स के साथ. ये सर जो ये जो ये क्या है जो पगोडा बनाया हुआ है, इसकी टॉप हमने यहाँ बनानी की ये भी वायरस. ये सारी चीज वो करेंगे बेसिकली. डिपेंड मटेरियल, कुछ के मटेरियल वो करेंगे और यहाँ पे उसकी फॉर्म क्रिएट होगी और कुछ एज इट इज आएंगे. ठीक होगी. जो थीमेटिक है उसकी जो बड़े फॉर्म्स है वो. ये बड़ा बड़ा दिल था कि ये जो वो है ना, इसको क्या कहते हैं, ये किड्स बोर्ड सर्फिंग. बोर्ड सर्फिंग, बोर्ड सर्फिंग, सर्फिंग एरिया हम सबसे पहले खोलें.
नेक्स्ट फेज हमारा जोनल वाला ही है कि किसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम पहले करें, ये स्नैक बार्स हैं जी, फिर आप यहाँ ये उसके डिफरेंट साइजेस हैं, फिर उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, किड्स जैकूजी एरिया है जी, देन वी हैव अ बीच लेजर जोन जी कंप्लीट इसके अंदर, जिसमें हमारे मेजर वन ऑफ द बिगेस्ट जो हमारी अच्छा बीच इज अराउंड द वेव पूल, या इसमें पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरह है कि इसके सराउंडिंग में पूरी वी हैव अ बीच properly designed artificial beach sort of जिसके अंदर sand और इस तरह के सारे elements और वो involved हैं। ये side पे जिस side पे वो लगी हुई है। These all areas ये। और basically ये जो आपका rocky अभी आपको एक animation जो दिखाई है जो अभी दिखाएंगे जी, इसके front पे it's more of a wavy stage जी, जो basically you can have a main cool function element over here as well, जिसमें dancing हाँ, वो जिसमें लाइटिंग एलिमेंट और डांसिंग एलिमेंट, डांसिंग फाउंटेन एलिमेंट भी क्रिएट करेंगे। ये इमेज नहीं पहले शेयर की हमने क्या किया, दिस इज न्यू, ये मिस हुआ कि ये उसमें है बेसिकली, वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में करते जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता क्लिप्स, ये वी शुड अपलोड दीस डायरेक्टली ना, जो इस तरह के क्लासिकल इमेजेस है ना, जिस भी है 148 इमेजेस की कलेक्शन है जी पूरी रियल, ये नहीं मिला मुझे, यू हैव 148 राइट्स का अलग और इसका अलग, यू हैव 148 इमेजेस, क्या बात है, सारी सारी पर्टिकुलर राइट्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि हम पूल की नेट से डाउनलोड करके इमेजेस दिखा रहे हैं, रियलिटी में शायद हम उस पर काम नहीं कर रहे, ये चाइना में और लोकली अलहमदिल्ला पिछले 6 महीने से लगी हुई है, और ये अब वो डिटेल्ड डिजाइन है जो आ गया, एंड दिस वी विल इंशाल्लाह एग्जीक्यूट एट साइट, और इसी तरह से नज़र आएगा आपको, ये राइड सारी चाइना से बन के आ रही हैं, और सिविल वर्क्स हमने यहाँ पे करने हैं, और ये इंशाल्लाह इसी लेवल पे एग्जीक्यूट होंगे, इवन सर हॉर्टिकल्चर वो प्लान कर रहे हैं हमारा, यस यस कंप्लीट जी, थीमेटिक ग्रीन एवरीथिंग इज प्लान्ड, एंड ये जो रॉकरी बन रही है ये हमने इसी तरह बनानी जैसे हमने गेट 1 और 2 बनाया, एग्जैक्टली उसी टेक्निक से, बिल्कुल उस टेक्निक, होलो फ्रेम स्ट्रक्चर टेक्निक, माशाल्लाह this is a phenomenal image, this is the night view, and yes it is going to be like this inshallah, yes. These are the detailed blow up views of each and every element, ye on scale hai aur realistic hai, yes, this is the one of the phenomenal and best part of the whole water park, ye kya is pe humne ye jo mountain ye ये दिस इज द स्टेज एरिया ऑफ द वेवी पूल जी, ये बैकड्रॉप रॉकी माउंटेन है, बेसिकली मेडगास्कर थीम रिवॉल्व्स अराउंड वो मेडगास्कर कैरेक्टर्स प्लस जंगलिश थीम, सो बेसिकली दैट ड्राइव्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक, बच्चों के जितने प्रोग्राम्स हैं वो स्टेज पे करते हैं, नॉट जस्ट बेसिकली इंटरनेशनली, तो जो हाई एंड कॉन्सर्ट्स होते हैं ना जी, पूल पार्टीज या कॉन्सर्ट, हम उसका रिफाइंड वर्जन और फिल्टर्ड वर्जन इन टर्म्स ऑफ तहजीब वाले जो फंक्शन है, so this is different views of that, ye piche kare ek back kar lo, right after this kyunki isko bahut detail mein humne dikhaya, right after this we going to show you guys the complete animation, the animation now, okay. That will be clear ki kis cheez ki wo animation, these are the different views, yeah, this is not the thing, this is another sort of option, now अब जो असल इंटरेस्टिंग पार्ट, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो वाकई में उनका जो कमाल है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल एलिमेंट की, वो अब यहाँ से डिटेलिंग फैक्टर एक एक और ये सब फैक्ट्स बाहर से बनते हैं, यस ये पूरा थीमेटिक इसके स्कल्पचरल फॉर्म्स का वहां से ना सिर्फ डिजाइन हो के आएगा बन के आएगा इन अलायंस इन कोऑर्डिनेशन विद आवर इन हाउस वही फैक्ट्रीज है ना हम विजिट करके आए एग्जैक्टली जी वो है, सो एक एक थीमेटिक की डिटेलिंग अब आपके सामने आ रही है जी, मेडगास्कर की एक एक कैरेक्टर की, लाइट्स टू प्लांट्स टू ईच एंड एवरी बोर्ड डिस्प्ले एलिमेंट, एक एक चीज उसके मुताबिक, ये जी बेसिकली आर्टिफिशियल सैंड एलिमेंट क्रिएट करके ये पूरा एक बीच व्यू क्रिएट करेंगे, ड्राइव फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्कैंस रेस्टोरेंट स्नैक एरियाज लेजी रिवर एरिया जो कि पूरा थ्रू आउट जो रिवर
ये स्पेशली इनकॉर्पोरेट कराए हैं उनके कैरेक्टर्स के जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, बोट एरियाज या वो किड्स की फ्लोटिंग एरियाज, उसमें जो कैरेक्टर्स की इनकॉर्पोरेशन से ये फाउंटेन एलिमेंट इनकॉर्पोरेट हुआ. नाइस. दीस कैरेक्टर्स, दिस कैरेक्टर, और ये इसी स्केल और साइज के वो और जो लोकली अवेलेबल है वो लोकली फॉर्म उनकी टीम बनाएगी. एंड दे आर द एक्सपर्ट इन मेकिंग फॉर्म्स. ये जो कैरेक्टर है ऑन द लेफ्ट, इस साइज का स्केल का, हम ये जो ये पिग है या वो राइनोसोरस है, ये हम यहाँ प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे या ये जो ज़ीब्रा है, एक्सपर्ट एग्री, उनकी एक्सपर्ट लेबर यहाँ के लोकल मटेरियल जेनेरिक हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हैं, जिस तरह राइजन है और इस तरह के जो स्टील स्ट्रक्चर मटेरियल है वो बेसिकली वो यहाँ से होंगे. उनकी एक्सपर्ट टीम स्कल्प्टर्स उनके आएंगे और वो यहाँ ऑन ग्राउंड बनाएंगे. अच्छा, मतलब टीम उधर से आएगी, मटेरियल जम जाएगा. और ये दो करेक्टर्स के अलावा ये सेंटर में ये जहाँ से ये पानी गिर रहा है, ये जूम करते हैं सर थोड़ा. ये बेसिकली अच्छा चलें, कोई बात नहीं. ये जो सेंटर में हाइनाज खड़ी है ना, हाइनाज के मुंह से या पेट से पानी गिर रहा है, जहाँ से भी गिर रहा है, तो ये इवन यहाँ तक ये छोटे करेक्टर्स भी वो यहाँ बनाएंगे. यहाँ बनाएंगे मटेरियल प्रॉपर, उन्होंने ऑलरेडी इसकी डिटेल्स भेजी हुई है टू चेक इट आउट कि ये लोकली है. लेकिन सर ये फैक्ट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक्सपर्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट है. मोर ऑफ इसमें कमाल स्कल्प्टर का है रादर देन का फैक्ट्री फिनिश्ड का. ठीक हो गया. मुझे वैसे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि इस तरह के जो छोटे करेक्टर्स है ना, उनकी डाइयां वहां बनी पड़ी है, उसमें से वो बना के हमें देंगे. इनमें से कुछ कुछ के कुछ अब yes, ये जो लाइफ साइज बन गया, ये जो राइनो लाइफ है, हाँ, लाइफ साइज का नहीं, ये जैसे हमने घोड़े बनाए वो आप वो उस जगह तक ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही छोटे करेक्टर्स की डाइया वो बन के उधर से ही होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर करेक्टर्स. एक दुनिया का सबसे बड़ा ज़ीब्रा भी ना बना दें सर इधर. ये मेरे ख्याल में द स्केल इज अराउंड 6-7 फीट है. हाँ, उसकी एक नहीं मैं डोंकी कहने लगा था, पर वो फिर माइंड कर जाना था लोगों ने. द ब्रिज इज एन एवरीथिंग. अ फैंटेसी जी का सब इसमें एक्सप्लेन. पर हमने शेयर लगाया ना तो उसने उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. मैंने एक और मैंने पहले ही कहा था कि ये वो सर बेसिकली इट्स ऑल डिजाइंड इन अ थीम वो जो कि ग्रीन एरियाज रेन फॉरेस्ट थीम को फॉलो करते हुए लोगों ने सारा वो ब्राइट्स के साथ मिक्सचर के साथ वो सारी चीजें डेवलप की है. इसमें मोस्टली ग्रीन हमारा जो थीम एरिया पहले से हमारा डिसाइडेड था, मैंने गास्कर उसको फॉलो करवाया. दीज आर द डिफरेंट व्यूज. ये भाईजान कपड़े हमने नहीं इनको ऐसे पहनाए, माजरत, ये चाइना से आए हैं, ऐसे ही आपको सिर्फ दिखा रहे हैं. पाकिस्तान में जैसे कराची की बीचेस पे लोग पूरे कपड़े पहनते हैं, इधर पूरे पहनाएंगे. हाँ जी, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल. ऑन अ लाइटर नोट भी जी, एग्जांपल आपने बिल्कुल सही कोट की है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स लोकल कराची के वाटर पार्क के. सो दिस इज गोइंग टू बी अ 10 टाइम्स बिगर. लॉयर में सर ओएसिस है, वो ओएसिस है, वो उसके डेज हैं और फिर वो कल्चर नॉर्म्स कोड फॉलो करते हैं कपड़ों का और क्लोथिंग का. वो अबायाज ले आएंगे सर वाइल्ड वादी में, वहां पूरे अरबी कहलाते हैं. बुर्किनीज क्या, बुर्किनी जो डाला है, बुर्किनी बुर्किनी या बिकिनी से बुर्किनी बोल रहे हैं. This is a family हमारा restaurant. This is the grand restaurant. At the topmost area of the water park जो कि इस level पे, it's also the selfie point as well ना. ये top है जी, वहाँ से जो हमारी loop road का top loop point है, उधर से ये नीचे stairs में आता रहेगा. ये in form of stairs. ये यहाँ पे red वाले part में था. Yes. जी उका. Then we have the supporting facility, कुछ areas हैं जो कि next में आगे उसमें security rooms हैं, tuck shops हैं. These are the ideas जो कि tuck shop के हैं.
वॉशरूम्स हैं, अगेन यूजिंग द ऑल द मटेरियल्स जो कि नेचुरल मटेरियल्स भी हैं, एनिमल स्किन के मटेरियल। ये ग्लास कवर्ड है या ओपन है? दीज आर ग्लास कवर्ड, कीप इट ग्लास के साथ। ये सिटिंग स्पेसेस होंगे? यस, सिटिंग फॉर स्पेसेस हैं। इनको क्यूबानास के पता नहीं कुछ इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, कबानास। सॉरी, कबानास। हां, नाउ दिस इज द डिटेलिंग। ये कंप्लीट हमारी जो है वो बाउंड्री वॉल। ये रॉटरी जिस तरह से हम गेट्स बना रहे हैं उस तरह से ये क्रिएट हम लोकली करेंगे विद द स्टोन मेसनरी सॉर्ट ऑफ। नाउ दीज आर द मेजर बिगर कैरेक्टर्स। ये 14-14, 18-18 फीट के ये यहाँ बनेंगे आएंगे। ये जी स्ट्रक्चरिंग इसकी फॉर्म के कुछ पार्ट्स आएंगे और कुछ लोकली असेंबल होंगे। मिक्स एंड मैच है, नॉट कम्प्लीटली इधर और नॉट कम्प्लीटली। सर पार्ट की सारी फिनिश ना यहीं से पता लगनी है कि हम किस क्वालिटी के प्रोड्यूस करने में कामयाब होते हैं। बेहतर तो ये था कि ये हम इस तरह की कुछ चीज़ें उधर से ही इम्पोर्ट करें, तो वो फैक्ट्री फिनिश्ड फॉर्मेट में हो, या फिर हमें कोई लोकल फैक्ट्री एंगेज करनी पड़ेगी जैसे कुदूस साहब हैं। बिल्कुल, जो फाइबर ग्लास में इनको उस फिनिश पे लेके आए। ये जितने भी उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जी किए हैं वो अपनी टीम उनकी आती है, वो उधर देर एंड देन एज पर द नीड फैसला करते हैं, और उधर उन्होंने ऑन ग्राउंड अगर यूनिट क्रिएट करना है तो इधर बन भी सकता है। छोटी सी फैक्ट्री ऑन साइट बना सकते हैं। इनकी 6-12 बंदों की टीम आती है, दे ऑलरेडी ब्रीफ द कंप्लीट डिटेल, हमने उनसे सवाल किया हुआ, सो ये इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ये जी पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाटर पार्क है। पहले पाकिस्तान में वाटर पार्क्स हैं, लेकिन इस लेवल पे इस थीम के साथ एक कंप्लीट वाटर पार्क विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो राइड्स हैं, ये इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान। एक एक करेक्टर जो बेसिकली है ये क्रिएट किया गया है इस पार्क के प्रोपोर्शन के मुताबिक। ये जो सारे करेक्टर्स हैं ये इंस्टॉल कहाँ होने हैं? डिफरेंट, ये डिफरेंट स्पॉट्स हैं, ये आपने 3D में अगर पर्टिकुलर होके बताएं तो उसके प्रॉपर उन्होंने जो है वो व्यू मैप पे लोकेशंस मार्क की हुई। आगे आपको बहुत डिटेल इसकी अगले लेआउट फॉर्मेशन जिस करेक्टर्स ओवर है ये उन्होंने मार्क किया जी, जिस तरह ये देख रहे हैं जो मेन करेक्टर्स ऑलरेडी बता रहे हैं बताते जा रहे हैं ये स्पॉट्स और की लेजेंड्स में। कुछ बोट्स पे आ रहे हैं, कुछ स्मॉल स्केल के हैं, कुछ पानी के अंदर आ रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे पोजीशन पे। और दिस इज नॉट अ इंटरनेट पिक्ड करेक्टर, नन ऑफ नॉट एट ऑल, इट्स ऑल डेवलप्ड मॉडलिंग हुई है। ये मेन होल कवर्स, बेसिकली दीज आर द मेन होल कवर्स, गटर के कवर्स, दैट्स द मेन एंट्रेंस गेट सॉर्ट ऑफ इनका जो कि फेंस है कंप्लीट। हमारी डीपीसी एक सर्टेन डिफाइन की जाएगी 2-2.5 फुट की, और उसके ऊपर जितनी भी बाउंड्री वॉल की सराउंडिंग्स हैं वो कवर्ड और सिक्योर भी होंगी, और प्लस ये परफोरेटेड भी होंगी, और वो भी थीमेटिक है ये एंट्रेंस गेट्स और वो। नाइस, अब दीज आर द मटेरियल्स, ऑल द मशीन फ्लोर, वो पूल फिनिशेस, फ्लोर फिनिशेस, वॉल फिनिशेस, सैंड एलिमेंट, बीच जो वो आर्टिफिशियल सैंड एलिमेंट, ये हमारी आर इन हाउस टीम इज इन्वॉल्व विद देयर टीम सिंस लॉन्ग जी, सो जो रीजनल डायनेमिक्स हैं लोकल अर्थी ये हमारे बंदों ने उनको सप्लाई सारी हमारी पूरी जी इन हाउस, जिस तरह वकास साहब एज तो वकार नहीं, वो वहां से सैंपल्स भेजते थे कि हमें इस तरह के पौधे चाहिए, या वी प्रोवाइडेड देम विद द लिस्ट, दे आस्क फॉर द लिस्ट कि आपके लोकल इंडिजिनस अर्थी मटेरियल्स प्लस आपके प्लांटेशन रीजन के कौन से हैं, फिर फ्रॉम एयर प्रेशर। तो ये हमारी पूरी टीम है जिनमें वकार साहब हैं, उमर साहब हैं, ये सारे जी प्रॉपर हमारे
हमाद साहब इज द कोऑर्डिनेशन गाय एंड ही इज द मेन गाय ऑब्वियसली विद द चाइनीज काफी सारे उनको ऑप्शंस दिए थे उसमें से उन्होंने सेलेक्टिव जो कि उनको रिक्वायर्ड थे जिस हाइट के और प्रोपोर्शंस के और थीम के अकॉर्डिंग जा रहे थे फिर उन्होंने वो यूज किया एंड दीस आर ईयर राउंड सीजनल प्लांट्स हैं गाइस ऑल अराउंड द ईयर ऑल अराउंड भी है कुछ सीजनल भी है कुछ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स कंप्लीट रेंज वी सेंड देम अराउंड 120 सॉर्ट ऑफ उनमें से जहां जहां जो जो एज पर द थीमेटिक एलिमेंट वो यूज करना है अब दिस इज द वन जो डिफाइन करेगा उनके मुख्तलिफ नोड्स को अब ये दिस इज ऑल प्रैक्टिकल ऑब्वियसली तो ये लेमन एलिमेंट वाले नहीं है लेकिन जनरली ये एनालिसिस है व्यूइंग पॉइंट्स कौन से थे लेवल्स कहां पे आ रहे हैं फ्लो कैसे डेवलप होगा सारे लोगों का सही मेजर माइनर कनेक्टिंग कहां पे फूड स्पॉट्स का वॉशरूम्स कहां पे हैं बोर्ड एलिमेंट्स कहां कहां आ रहे हैं जो आपने अभी पूछा था कि वो कहां कहां पे हैं दिस इज द कंप्लीट प्रेजेंटेशन वॉशरूम डस्टबिन की प्लेसमेंट हर चीज की पोजीशंस प्लेसमेंट एक्यूरेटली ऑन द ड्रॉइंग्स ये वहां पे है awesome. ये बाउंड्री जो अभी मैंने आपको डिफाइन की ये वाटर सप्लाई ड्रेनेज सीवेज एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ये क्या है बेबी पूल का जो स्टेज कॉन्सेप्ट है ना कॉन्सर्ट कॉन्सेप्ट वो बेसिकली ये है पूल पार्टी जो रियल कॉन्सेप्ट ड्राइव्ड फ्रॉम दिस इट्स अ मल्टी फंक्शनल स्पेस बेसिकली ये हम बच्चों की बर्थडे पे आउटसोर्स यस इवेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम द वाटर पार्क डिटेल प्रेजेंटेशन बाय चाइनीज चले जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया इसका सर एक डिटेल्ड वर्जन कोई हम बना सकते हैं जो हम पब्लिक के लिए वो मैं प्रॉपर फाइंड बना अपलोड कर दूंगा उसी के ऊपर ना मैं चले जी जजाकल्लाह खैर थैंक यू